दोस्तों इस वीडियो में आगे जानिए कि बुर्ज खलीफा का बिजली का बिल कितना आता है और क्यों वाइकिंग्स अपने दुश्मन के सिर की खोपड़ी में ड्रिंक करते थे और कैसे एक स्केच की मदद से ये आदमी 33 साल बाद अपनी मां से मिला और एक ऐसी कार के बारे में जो पेट्रोल पर नहीं बल्कि वाइन पर चलती है। नंबर वन, क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट खाने से आपके दांत सफ़ेद होते हैं? अब आप सोचोगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि हमने तो बचपन से ही सुना है कि मीठी चीज़ें खाने से दांत खराब हो जाते हैं। हालांकि अगर आप डेली चॉकलेट खाते हो तो आपके दांत जरूर खराब हो जाएंगे, लेकिन अगर आप वाइट मिल्क चॉकलेट खाते हो तो इससे आपके दांत बिल्कुल वाइट चमकने लगेंगे। नंबर टू, जीमेल का ये लोगो लॉन्च होने के कुछ ही देर पहले बना था। जीमेल का ये लोगो लॉन्च होने के बस एक रात ही पहले बनकर तैयार हुआ था। उसके एक रात पहले तक इस लोगो का काम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन गूगल की टीम ने इसको एक रात में तैयार करके इसको अगले दिन लॉन्च भी कर दिया। नंबर थ्री, ओरियो बिस्किट तो आप सभी नहीं खाए होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बिस्किट कब लॉन्च हुए थे? दरअसल ओरियो को पहली बार 1912 में बनाया गया था और उस वक्त तक कुकीज और ब्रेड बने नहीं थे, लेकिन ओरियो बन चुका था। यानी कि जो ओरियो आप अभी खाते हो वो 100 साल पहले बन चुका है। नंबर फोर, मध्य प्रदेश के एक आदमी ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर को कंप्लेंट कर दी। आपको लग रहा होगा कि मैटर बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल उस आदमी ने एक समोसे वाले से समोसा खरीदा, लेकिन समोसे वाले ने उसको चम्मच और कटोरी नहीं दी, तो इसी वजह से परेशान होकर उस आदमी ने चीफ मिनिस्टर के हेल्पलाइन पर कंप्लेंट कर दी, लेकिन ऑब्वियसली कंप्लेंट का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। मतलब कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा कि एक चम्मच कटोरी न मिलने पर सीधा चीफ मिनिस्टर को ही कंप्लेंट कर दी। नंबर फाइव, एक सर्वे के अनुसार हर 5 में से एक आदमी ने कभी न कभी अपना फ़ोन बाथरूम में गिराया है, लेकिन यह कितना सच है इसके बारे में तो हम नहीं जानते, पर लोग आजकल अपने मोबाइल का यूज़ टॉयलेट में बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। नंबर सिक्स, वाइकिंग्स अपने दुश्मन की खोपड़ी को अपने बर्तन बनाने के लिए यूज़ करते थे। वे लोग अपने एनिमी को हराने के बाद उनकी हड्डियों का यूज़ कई सारी चीज़ों को बनाने में किया करते थे। ज़रा सोचो कि वो लोग ड्रिंक भी दूसरों की खोपड़ी में करते थे। नंबर सेवन, ये आदमी अपनी अच्छी यादाश्त की वजह से 33 साल बाद अपनी माँ से मिल पाया। दरअसल 4 साल की उम्र में इस लड़के को किडनैप कर लिया गया था और उसको उसके घर से काफ़ी दूर ले जाया गया। वो उस टाइम काफ़ी छोटा था, तो उसके साथ क्या हुआ ये उसे अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन उसे कैसे न कैसे अपने घर तक पहुंचना था। उसे अपने गांव का थोड़ा बहुत रास्ता याद था और उसने अपने गांव का एक नक्शा तैयार करके उसे टिकटॉक पर डाल दिया। उसके बाद पुलिस वालों और लोगों ने मिलकर उसके गांव को ढूंढ निकाला और आखिरकार ये आदमी 33 साल बाद अपनी माँ से मिल पाया। नंबर एट, अब तो आपको स्वीडन में भीख मांगने पर भी टैक्स देना पड़ेगा। स्वीडिश सरकार ने भिखारियों पर एक अजीब तरह का टैक्स लगा दिया है। दरअसल वहाँ पर आपको भीख मांगने के लिए एक $26 का परमिट लेना होगा। अगर आपके पास वो परमिट नहीं होगा तो आपको भीख मांगने नहीं दिया जाएगा, और अगर आप बिना परमिट के भीख मांगते हुए पकड़े गए तो आपको सजा भी हो सकती है। नंबर नाइन, क्या आप जानते हैं कि एक सांप कभी भी अपनी आंख बंद नहीं करता? सांप चाहकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास आईलिड्स ही नहीं होते हैं। यानी कि सांप कभी भी अपनी आंखें नहीं झपकाते और ये आंख खुली रखकर ही सोते हैं। नंबर टेन, आप तो जानते ही होंगे कि बड़े बड़े लग्जरी शिप्स में सभी तरह की फैसिलिटीज होती हैं, स्विमिंग पूल से लेकर बार तक सब इसी शिप के अंदर ही मौजूद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन शिप्स के अंदर एक मुर्दा घर भी होता है? जी हाँ, ये सच है। हालांकि इतनी बड़ी तो नहीं होते हैं, लेकिन इसमें 10 लोगों को आराम से रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हर साल 200 से ज़्यादा लोग क्रूज पर मारे जाते हैं। अब इनकी डेड बॉडी को समुंदर में तो फेंक नहीं सकते, इसलिए इनको अपने शिप में मुर्दा घर बनाना पड़ता है। नंबर 11, जगवार के जबड़े में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो एक ही बार में अपने शिकार को जान से मार सकता है, क्योंकि जब ये सर पर वार करता है तो उसकी जबड़े की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो उसकी स्कल को पार करके उसके ब्रेन तक पहुंच जाती है और उस जानवर की मौत तुरंत हो जाती है। नंबर 12, प्रिंस चार्ल्स यानी कि क्वीन एलिजाबेथ के बेटे जो कि इंग्लैंड के न्यू किंग हैं, उनके पास कार्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है और उसमें उनके पास एक विंटेज कार भी है जो कि पेट्रोल पर नहीं बल्कि वाइट वाइन पर चलती है। वाइट वाइन पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगी होती है, पर इससे इनको क्या ही फर्क पड़ता है, इनके पास तो पूरी की पूरी तिजोरियाँ भरी हुई है। नंबर 13, आपने सुना होगा कि शार्क से बचने के लिए उनकी नाक पर हमला करना होता है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उनकी नाक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। शार्क्स अपनी नाक से एक बड़े से शीशे को भी तोड़ कर रख देती हैं। असल में आपको उनके गिल्स पर हमला करना चाहिए,
जो कि उनका एक बहुत ही वीक स्पॉट होता है। नंबर 14, अगर आपके पास एक पुराना फ़ोन है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, क्या हो अगर हम उसको एक फास्ट चार्जर से कनेक्ट कर दें, क्या वो फास्ट चार्जिंग करने लगेगा? दरअसल जिन मोबाइल्स के अंदर फास्ट चार्जिंग होती है उनमें दो बैटरीज लगाई जाती हैं, और दो बैटरीज लगाने का फायदा ये होता है कि मोबाइल का चार्जर एक साथ दो बैटरीज को चार्ज करता है, जिससे कि बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। लेकिन हमारे पुराने फोन्स के अंदर सिर्फ एक ही बैटरी मौजूद होती है, इसीलिए अगर आप उसमें एक फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 15, बुर्ज खलीफा का बिजली का बिल कितना आता है? बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और इसी के साथ बुर्ज खलीफा सारी रात जगमगाती रहती है, तो ऐसे में बुर्ज खलीफा का बिल कितना आता होगा? अगर इसकी पावर यूसेज को देखा जाए तो ये एक दिन में 36 मिलियन वॉट्स को यूज कर लेती है, यानी कि इतनी पावर से 100 वॉट के 3 लाख बल्ब एक साथ जल सकते हैं, और इतनी लाइट इंडिया में 25,000 घरों के लिए काफी है। और आपको बता दें कि इस बिल्डिंग का सालाना बिल 4 लाख US डॉलर्स यानी कि 3,33,00,000 रुपए आता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।